मैं YouTube चैनल में हूँ आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, भैरव का अर्थ है मनुष्य मात्र को भय, चिंता व डर से मुक्ति प्रदान करना, भय रहित करना। और भैरवनाथ का एक और अर्थ है भारी तथा भीषण दिखना, जो दिखने में भयानक हो। कहा जाता है काल भैरव माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा के अनुचर है, और इसी प्रकार हनुमान जी भी माता जगदम्बा के दूसरे अनुचर है। भगवान भैरवनाथ प्राणियों के कष्ट निवारण करते हैं, वे प्राणी मात्र का भरण पोषण करते हैं। कहा जाता है भैरवनाथ में ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों देवों की शक्ति समाहित है। भैरवनाथ को माँ पार्वती का अनुचर भी कहा जाता है, और भैरव एक तरह की पदवी होती है। भैरव को आदि अनादि अनंत देवों के देव महादेव, शिव के अन्य अनुचर जैसे भूत प्रेत पिशाच गणों का अधिपति भी माना गया है। भारत में भैरव को मानने वाले भक्त दो संप्रदाय में बटे हुए हैं, पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव संप्रदाय कहलाता है। भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के रुधिर यानी खून से हुई थी, बाद में यह रुधिर दो भागों में बट गया और इस प्रकार काल भैरव व बटुक भैरव के नाम से भैरवनाथ प्रसिद्ध हुए और इनके दो संप्रदाय बन गए। भैरव को कई नामों से जाना जाता है। भारत में भैरवनाथ को महादेव के पांचवें अवतार के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, यूं तो भैरव बाबा को मनाना बेहद आसान और सरल है, और यदि आप भैरव को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भैरव की शरण में आए प्राणी को शनि राहु केतु की दशा परेशान नहीं कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको भैरवनाथ को प्रसन्न करने के कुछ आसान उपाय बतलाऊंगा, जिससे आप भैरवनाथ को आसानी से प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये जानकारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं भैरवनाथ को खुश करने के, प्रसन्न करने के आसान उपाय। दोस्तों, भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए रविवार बुधवार व गुरुवार अति उत्तम माने गए हैं। अतः इन रविवार बुधवार व गुरुवार में से किसी भी एक दिन भैरवनाथ के मंदिर में 1.25 किलो जलेबी चढ़ाकर इसे कुत्तों को खिलाएं। भैरवनाथ के वाहन के रूप में कुत्ते को जलेबी खिलाने पर कुंडली के समस्त बुरे ग्रहों का असर समाप्त होता है। कहते हैं हनुमान जी के अलावा भैरवनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति शनि की दशा से परेशान है तो प्रत्येक रविवार भैरवनाथ के मंदिर में तेल की जलेबी चढ़ाकर इसे कुत्तों को अवश्य खिलाएं, इससे शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, रुके हुए कार्य बाधित हुए कार्यों को पूरा करने के लिए भैरव को नींबू चढ़ाया जाता है। तो यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, बाधित है, पूरा नहीं हो पा रहा है तो 5 गुरुवार किसी भैरव मंदिर में जाइए और 5 नींबू चढ़ा के आइए, इससे आपका रुका हुआ कार्य अवश्य पूरा होगा। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए रविवार बुधवार या गुरुवार को एक रोटी लीजिए और इस रोटी पर अपनी मध्यमा अंगुली को तेल में डुबोकर इससे रोटी पर एक सीधी लाइन खींचिए और फिर ये रोटी किसी 2 रंग वाले कुत्ते को खिलाइए। दोस्तों, यदि वह कुत्ता आपके हाथों से ये रोटी खा लेता है तो समझ लीजिए कि भैरवनाथ भगवान का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, भैरव आपसे प्रसन्न है। लेकिन यदि कुत्ता रोटी को सूंघकर आगे बढ़ जाता है तो चिंता मत करिए, फिर से अगले वार को यह प्रयास कीजिए। लेकिन यह प्रयास बुधवार गुरुवार या रविवार को ही करिए और 3 बार से ज़्यादा इस प्रयास को ना कीजिए। दोस्तों, भैरवनाथ को प्रसन्न करने का एक सीधा साधा उपाय यह है कि शनिवार की रात को कड़वे तेल में उड़द की दाल के पकौड़े तैयार कीजिए और इन्हें ढककर रख दीजिए और प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य में बगैर किसी को बात किए गुप्त रूप से ये पकौड़े लेकर घर से बाहर निकल जाइए, थोड़ा घूमने के लिए निकल जाइए और रास्ते में जो भी कुत्ता पहले मिले उसे ये पकौड़े खाने को डाल दीजिए और चुपचाप वहाँ से घर की ओर निकल पड़िए। ध्यान रखिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर आना है। और दोस्तों, ये उपाय केवल रविवार के दिन ही करना है।
भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए भैरव अष्टमी सबसे सर्वोत्तम दिवस माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। तो काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए भैरव अष्टमी से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी के दिन 1.25 किलो काले चने लीजिए और यह 3 बार लीजिए अर्थात 1.25 किलो चने आपको 3 बर्तनों में अलग अलग रखने हैं। तो 3 बर्तनों में अलग अलग 1.25 किलो चने लेकर इन्हें रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए और अगले दिन भैरव अष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करके इन चनों को सरसों के तेल में छोंक लीजिए, फ्राई कर लीजिए और भगवान भैरवनाथ की पूजा करिए व इन चनों का भोग लगाइए। पूजा करते समय भगवान भैरवनाथ से अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए निवेदन कीजिए और भगवान को भोग लगाए गए इन चनों को जो कि 3 स्थानों पर अलग अलग 1.25 किलो में रखे हुए हैं, इनमें से पहला 1.25 किलो चना किसी भैंसे को खिलाइए और दूसरा 1.25 किलो चना कुष्ठ रोगियों में बांट आइए और तीसरा 1.25 किलो जो भाग है चने का वह अपने स्वयं कर इसे वार लीजिए, घुमा लीजिए और किसी सुनसान स्थान पर रख आइए। इस उपाय से काल भैरव भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों काल भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव की उपासना करिए व शाम को कड़वे तेल का दीपक अवश्य भैरव मंदिर में रख के आइए, इससे भैरव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और दोस्तों भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक आसान उपाय यह है कि भगवान भैरवनाथ का कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां पर नित्य पूजा नहीं होती है। भगवान भैरवनाथ की वहां जहां पर नित्य पूजा नहीं होती है उस स्थान पर जाइए, ढूंढिए उसे और आप उस मंदिर में रविवार को प्रातः सुबह जल्दी जाइए और साथ में सिंदूर तेल, नारियल पुए और जलेबी, चिरौंजी इत्यादि लेकर जाइए और वहाँ पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से भैरव बाबा की पूजा अर्चना कीजिए तथा पूजा के बाद 7 वर्ष से कम आयु के लड़कों को चने, चिरौंजी के साथ लाए गए प्रसाद को बांट दीजिए। तो दोस्तों इस उपाय से बड़ा दुर्भाग्य भी टल जाता है और कुंडली में बुरे ग्रहों की शांति होती है, उनके दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करने का सबसे साधारण व सरल उपाय है कि रोजाना आप कुत्ते को थोड़ा गुड़ खिलाइए। भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप 125 ग्राम काले तिल व 125 ग्राम काले उड़द व 125 रुपए लीजिए और इन्हें 1.25 मीटर काले कपड़े में डालकर इसकी पोटली बना लीजिए और बुधवार के दिन किसी भैरव मंदिर में इसे चढ़ा आइए। तो दोस्तों ये थे भैरवनाथ को प्रसन्न करने के कुछ आसान उपाय। दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।